हेलो एवरीवन, ये हिस्ट्री का 42वां पार्ट है और छोटी छोटी बातों को हम ले रहे हैं। धीरे धीरे हिस्ट्री में निपुणता हासिल होगी आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से जो क्वेश्चन का प्रोपोर्शनेट है, आप जानते हैं कि हाफ ऑफ द क्वेश्चन हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो आम तौर पे आधा पार्ट जो है आधुनिक भारत से लिया जाता है। चलिए फिर से हम लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो देखिए, अंग्रेजों और डचों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका नाम है वेदरा का युद्ध, वेदरा का निर्णायक युद्ध, जिसमें डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था अंग्रेजों ने। तो यह था वेदरा का युद्ध 1759 में, वेदरा का युद्ध। और एक युद्ध हुआ है वांडीवश का युद्ध, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ है 1760 में, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। और तो इस तरह से एक वेदरा का युद्ध है जिसमें डचों को बाहर कर दिया 1759 में, वांडीवश के युद्ध में 1760 में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने। इस तरह से अंग्रेज पहले बाहर के लोगों को भी हटा रहा था और भारत के राज्यों को भी विलय कर रहा था, मतलब दोनों काम कर रहा था भारत में विस्तार करने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना की गई किसने की, उसका नाम कौन है, वो है कैरोन फ्रैंक। और अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष जो अकबर के दरबार में पहुंचा था उसका नाम क्या है, फादर मानसरेट। और 1638 में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ था वो कौन था, विलियम नॉरिस। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, फ्रैंको मार्टिन। मद्रास का संस्थापक कौन था, फ्रांसिस डे। वर्धमान का जमींदार 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया उसका नाम क्या था, शोभा सिंह। बहुत महत्वपूर्ण है। और कलिकता, गोविंदपुरी और सूतीनाती का जमींदार कौन था, जो बाद में जाके कलकत्ता बना, आपने ये पढ़ा होगा, ये क्या कहते हैं एनसीईआरटी में भी है, कलिकता, गोविंदपुरी और सूतीनाती का जमींदार कौन था, इब्राहिम खां। मुगल सम्राट फर्रुख शहर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया कौन था, फर्रुख शहर से जो प्राप्त किया था उसका शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहा था जॉन सुरमन। अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष, फादर मानसरेट। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे बात करते हैं। ब्लैक होल की घटना किस बंगाल के नवाब के समय में हुई थी, पीछे बात हुई है सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। और कुछ प्रश्नों को देखा जाए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया, उन महिलाओं में से कौन कौन महिलाएं हैं जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी, और भारतीय महिला कौन है जो कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष बनी, ये एक बीच में प्रश्न आ गया था। तो प्रथम अध्यक्ष है एनी बेसेंट और भारत में प्रथम अध्यक्ष बनी जिसका नाम है सरोजिनी नायडू। चलिए 1857 के विद्रोह से कुछ प्रश्न लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी आप कर चुके हैं, लॉर्ड पामर्स्टन, और इसको आपको करना ही है।
चूंकि इससे आपको, और नेक्स्ट मेरठ में विद्रोह का नेता कौन था? कदम सिंह। और दिल्ली में विद्रोह का नेता कौन था? बहादुर शाह और बख्त खां। हरियाणा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राव तूला राम। और बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खां ने किया था। और बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 मई 1858। और 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? पंजाब में विद्रोह किन लोगों ने किया? नामधारी सिखों ने। और अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? जनवरी 1857 में। 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौसंगठन से संबंधित कौन सा आयोग था? उसके बाद एक आयोग का निर्माण हुआ था, उस आयोग के बारे में बताया जा रहा है। कौन है? पील आयोग। मत भूलिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं एक बात आपको ये बता दूं कि आधुनिक भारत बहुत लंबा है, इसमें काफ़ी वीडियो बनेंगे और आप धीरे धीरे करते चले। आपको जो मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत पढ़े हैं वो मोर देन सफिशियंट है, उसको आप याद कीजिए। और आधुनिक भारत मिसिलेनियस टाइप का है, पहले छोटी छोटी घटनाओं को, छोटी छोटी बिंदुओं को, सारे को आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत बेहतरीन है आप लोगों का परफॉर्मेंस। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आप ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू।